anymore. दोस्तों बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जिससे कि दोस्तों बॉलीवुड को बहुत ही ज्यादा उम्मीद है और दोस्तों माना जा रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त ओपनिंग कलेक्शन कर लेगी और कुछ नए रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है। इसकी दो वजह है दोस्तों। पहला तो ये कि यह एक एक्शन मूवी है और एक्शन फिल्में आमतौर पर अच्छी ओपनिंग कर ही लेती है। और दोस्तों फिल्म के ट्रेलर में एक्शन की झलक हमें काफी देखने को मिली थी और ट्रेलर का एक्शन देखने के बाद ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के ज्यादातर फैंस ने इस फिल्म को देखने का मन बना लिया है। और दोस्तों दूसरा कारण यह है कि फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को उन्हीं के अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें दोस्तों उनके फैंस उनको देखना पसंद करते हैं। अब दोस्तों फिल्म की जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई है उसको देखकर यह बात तो साफ है कि फिल्म आसानी से इस साल की पहले दिन की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी। वहीं दोस्तों सलमान खान की फिल्म भारत ने साल 2019 में पहले दिन 42 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और दोस्तों वॉर फिल्म इसको भी आसानी से पार कर सकती है। अब दोस्तों मोटे तौर पर पहले दिन लगभग 22 से 24 करोड़ रुपए के तो टिकट एडवांस बुकिंग के जरिए ही बिक चुके हैं और दोस्तों इतने ही टिकट उस दिन और बिकेंगे, यानी कि दोस्तों ये संभव है कि वॉर पहले ही दिन 50 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर सकती है। और दोस्तों फिल्म का क्रेज मेट्रो सिटीज से लेकर छोटे शहरों तक में है। दोस्तों वॉर फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद ने किया है, हालांकि दोस्तों उनकी गिनती बहुत अच्छे डायरेक्टर्स में नहीं होती है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में उन्होंने बड़े स्टार्स और एक्शन का सहारा लिया है और इसके भरोसे फिल्म को वो जबरदस्त ओपनिंग कलेक्शन तो दिला ही देंगे। और दोस्तों माना जा रहा है कि वॉर फिल्म यदि फैंस को पसंद नहीं आती है तो भी केवल ऋतिक और टाइगर के क्रेज के नाम पर ही 200 करोड़ तो आराम से कमा लेगी। और दोस्तों अगर ये फिल्म दर्शकों को पसंद आ जाती है तो 300 से 350 करोड़ तक जाने में इसे कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे भी दोस्तों अगली रिलीज होने वाली कोई बड़ी फिल्म जो है वो है हाउसफुल 4, जो कि दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। तब तक वॉर फिल्म के लिए एकदम खुला मैदान है और ये फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन अपने नाम कर लेगी। फिलहाल दोस्तों आप वॉर फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बॉलीवुड की हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।